नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। बिहार विधानसभा की दो खाली हुई सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। जी हाँ, और उपचुनाव को लेकर के बिहार की सियासत काफ़ी गर्म है कह सकते हैं, और तमाम पार्टियों की तरफ से पूरा दमखम लगाया जा रहा है। आरजेडी की तरफ से भी जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है, प्रचार प्रसार चल रहा है। जी हाँ, तेजस्वी यादव लगातार तारापुर में हैं, लगातार जनता के बीच बने हुए हैं, आरजेडी के प्रत्याशी के लिए वोट की अपील कर रहे हैं जनता से। इस बीच तेजस्वी यादव आज ट्वीट करते हुए जदयू पर बड़ा हमला बोलते नजर आए। जी हाँ, तारापुर से जदयू के प्रत्याशी को लेकर के तेजस्वी ने बड़ा आरोप लगा दिया है। ट्वीट करते हुए तेजस्वी यादव लिखते हैं, जो मुख्यमंत्री अपने पूर्व मंत्री और वरिष्ठ विधायकों को अस्पताल में भर्ती करा, उनका इलाज नहीं करा सके, आम जनता का क्या भला करेंगे। 16 वर्षों के थके हारे सीएम की खराब स्वास्थ्य व्यवस्था के कारण ही उपचुनाव हो रहा है। इनके प्रत्याशी पर सैकड़ों केस है और हमारे प्रत्याशी पर जीरो। जी हाँ, तो बड़ी बात कहते नजर आए तेजस्वी। तेजस्वी यादव अपने ट्वीट के जरिए एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलते नजर आए, वहीं दूसरी तरफ जदयू के तारापुर सीट से बनाए गए प्रत्याशी पर सैकड़ों केस होने का आरोप भी लगाते नजर आए। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा का उपचुनाव काफी दिलचस्प हो गया है। सभी पार्टियों की तरफ से पूरा दमखम लगा दिया गया है, प्रचार प्रसार भी शुरू कर दिया गया है। तेजस्वी यादव जब से दिल्ली से आए हैं तब से तारापुर में जमे हुए हैं। वहीं चिराग पासवान भी कुशेश्वर स्थान में डेरा जमाए हुए हैं। जदयू के नेताओं की तरफ से अभी तक उस तरह का दमखम नहीं दिख रहा है, लेकिन नीतीश कुमार की बड़ी प्लानिंग है और जल्द ही एनडीए नेताओं की तरफ से इस बड़ी प्लानिंग को डिस्क्लोज किया जाएगा। जी हाँ, जल्द ही पूरे दमखम के साथ एनडीए के नेता मैदान में नजर आने वाले हैं। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।